हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल. हेलो, आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन. प्लीज सी इफ द स्क्रीन इज विजिबल. हाँ, ओके. What were we doing yesterday? We were doing tenses, ठीक है, and we completed all of them, right? We did present tense, we did past tense, and we did future tense, right? और उसके बाद हमने साथ साथ इनके जो sentence structures हैं उनको भी देखा था, ठीक है. We also completed that. Affirmative का क्या रहेगा, negative क्या होगा, interrogative क्या है और interrogative negative क्या है, ठीक है. वी डिड ऑल ऑफ दिस, राइट. अब ये चैप्टर आप लोगों को साथ साथ क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, राइट. और इसमें क्या क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स रहेंगे, क्या क्या रूल्स हैं, वो उनको बार बार रिवाइज करके रिकॉल करना है, ठीक है. दिस पार्ट वॉज द एक्टिव वॉइस वाला पार्ट, राइट. अभी ये जो चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि ये जो एक्टिव वॉइस हमने पढ़ी है, इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, राइट. सो वी विल स्टडी द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस, राइट. प्लस हम लोग ये भी देखेंगे एक चीज, लास्ट लेक्चर में, मतलब जब ये चैप्टर फिनिश होगा, हम लोग ये भी देखेंगे कि सी सब बच्चे, सिंस इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, राइट, यू डोंट नो वट kind of question examiner is going to put forward, right? So active voice से passive voice तो सब लोग पढ़ के आते ही हैं, right? But कुछ 15 minutes का एक topic है, passive voice से active voice अगर आपको वापस convert करना हो तो कैसे होगा, ठीक है. तो उसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं, like very very minute things, ठीक है, very minute things जो आपको ध्यान रखनी होती है passive voice को active voice में convert करने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, सब बच्चे वो पढ़ के आ रहे हैं एग्जाम के लिए, राइट. हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर पैसिव वॉइस में आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है और उसका एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है तो एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट बोथ वेज, राइट. दोनों तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, राइट. तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर, दिस न्यू चैप्टर वॉइस, राइट. तो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. और एक और चीज मुझे आप सबसे पूछनी है, अभी तक जो भी हमने चैप्टर्स फिनिश किए हैं, वॉट एवर चैप्टर्स वी हैव फिनिश्ड सो फार, किसी को कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी. एनी डाउट और कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी. कोई डाउट या कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज पूछ लो, नहीं है तो फिर हम लोग चैप्टर को फर्दर स्टार्ट करते हैं, राइट. आई गेस किसी को कुछ डाउट या कंफ्यूजन नहीं है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर का नाम क्या है, वॉइस, राइट. वॉइस क्या होता है, देखो यहाँ पे थियोरिटिकल पर्पस के लिए वॉइस की डेफिनेशन दी हुई है, पर जनरली सोचो ना, लाइक इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज, सो दैट आपको अलग से इस डेफिनेशन को क्रैम ना करना पड़े, राइट. बिकॉज इन योर एग्जाम, ठीक है, इन योर एग्जाम द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर पुटिंग अप
उसमें डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, राइट? सो यू डोंट हैव टू क्राम द डेफिनेशन, इसको रट्टोफाई नहीं करना डेफिनेशन को, राइट? आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. अब वो समझना ऐसी सी एक टेक्निकल लैंग्वेज में भी हो सकता है, या उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हो, लाइक लेमेंस लैंग्वेज जैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है? कि अगर आपको किसी रिक्शा वाला को भी समझाना हो कि वॉइस क्या है, तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप उसको कैसे समझाओगे, राइट? उस तरीके से उसको आप समझ के रखोगे, ठीक है? अब देखो वॉइस क्या होता है. वॉइस बेसिकली क्या होता है, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज टू शो वेदर द सब्जेक्ट इज गिवन मोर एम्फोसिस और द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज गिवन मोर एम्फोसिस, राइट? द सब्जेक्ट ऑफ द वॉइस ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन, थिंग, एक्शन और प्लेस हुम द सेंटेंस इज अबाउट. तो अब इसमें वॉइस की डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, देखो हमने पिछले चैप्टर्स में हम लोग एक चीज पढ़ते आए हैं, क्या? बहुत सिंपल सी चीज थी. हमने देखा एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है. अगर ये एक सेंटेंस है तो हमें उसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? ठीक है, अब इसमें जो है वॉइस बेसिकली कहाँ है, ठीक है? वॉइस क्या है, वो ये बोल रहा है कि वॉइस जो है वो ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जिससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो ज्यादा फोकस सब्जेक्ट पे कर रहा है या ऑब्जेक्ट पे कर रहा है, ठीक है? तो वॉइस जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जिससे हमें क्या पता चलेगा कि सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया जा रहा है किसी भी सेंटेंस में, या फिर ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है? या फिर कोई भी जो एक्शन जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को क्या किया जा रहा है, ज्यादा फोकस किया जा रहा है, राइट? तो वॉइस बेसिकली क्या होगी, सब्जेक्ट वर्ब या एग्रीमेंट, एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? वॉइस बेसिकली ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है, आप ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, ठीक है, जहां पे आपको ये पता चले कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा फोकस्ड है या ज्यादा हाईलाइटेड है, या फिर जो काम सब्जेक्ट कर रहा है या जो एक्शन जो है वो सब्जेक्ट जो कर रहा है यानी ये जो वर्ब है वो ज्यादा हाईलाइटेड है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसके ऊपर ज्यादा क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है सेंटेंस में, राइट? अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इससे पहले हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल्स देखे हैं, टेंसेस चैप्टर में भी हमने बहुत एग्जाम्पल्स पढ़े, राइट? सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, ठीक है, एन एक्शन और अ प्लेस द सेंटेंस इज अबाउट, राइट? तो सब्जेक्ट कैन बी एनी थिंग, राइट? और वॉइस क्या होगा, वॉइस जो होगा वो हमें ये बताएगा कि आप उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर रहे हो या जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो या फोकस कर रहे हो, एम्फोसिस किसके ऊपर है, फोकस किसके ऊपर है, ठीक है? वो सब्जेक्ट पे है या एक्शन डन बाय सब्जेक्ट पे है, यानी एक्शन डन बाय सब्जेक्ट अब क्या होगा, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब ही तो होता है, वर्ब पे है, ठीक है? तो आपको ये चीजें किससे पता चलती हैं, वॉइस से पता चलती हैं, ठीक है? देखो ये एग्जाम्पल देखो, सी आई हैव इंक्लूडेड दिस एग्जाम्पल, जोसेफ लव्स मैंगोज. अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जोसेफ. व्हाट व्हाट इज लव, लव इज वर्ब हियर, क्योंकि प्यार करना यहाँ पे मैंगोज के लिए जो उसका है वो बेसिकली क्या होगा, एक्शन हो गया, ठीक है? जोसेफ लव्स, लव्स इज वर्ब एंड मैंगोज इज व्हाट, ऑब्जेक्ट, राइट? सो हियर सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस है कि जोसेफ को मैंगो पसंद है, जोसेफ मैंगोज को क्या करता है, लाइक करता है, तो हियर द मोर एम्फोसिस इज ऑन जोसेफ, ठीक है? तो एक टाइप ऑफ जो वॉइस होगी वो ये होगी जहां पे सब्जेक्ट को ज्यादा क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा. और दूसरी टाइप ऑफ वॉइस बेसिकली क्या होगी, दूसरी टाइप ऑफ वॉइस होगी ऐसी जहां पे एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट को ज्यादा क्या किया जाएगा, एम्फोसिस किया जाएगा. जैसे यहाँ देखो, मैंगोज आर लव्ड बाय जोसेफ. अभी यहाँ पे मैंगोज क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? और जोसेफ को कहाँ डाल दिया, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे डाल दिया, ऐसे था ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आया, वर्ब वहीं पे रखा, ठीक है? तो मैंगोज आर लव्ड बाय जोसेफ, इस स्टेटमेंट में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि जोसेफ को मैंगो पसंद है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मैंगोज हैं, मैंगोज जोसेफ को पसंद है, ठीक है? मैंगोज जोसेफ को पसंद है, मैंगोज पसंद किए जा रहे हैं जोसेफ से,
ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में वो ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है, तो बात वही है, मीनिंग सेम है, मीनिंग नहीं आपको चेंज करना है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, मीनिंग चेंज नहीं करना है। क्या क्या रूल्स होंगे वो हम देखेंगे, जिसमें से एक रूल ये भी है कि जब आप वन फॉर्म ऑफ द सेंटेंस या वन फॉर्म ऑफ वॉइस से दूसरे फॉर्म में जा रहे हो तो मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, राइट। तो मीनिंग नहीं चेंज करना है, बट द थिंग इज कि आपको इस तरीके से वॉइस को चेंज करना है कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है तो सेकंड पार्ट ऑफ द वॉइस में जब आप ट्रांसलेट करो तो एक्शन के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो ज्यादा एम्फेसिस ले किया जाए, राइट। देखो अब जब एक्टिव वॉइस हम पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस में बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं, हम टेंसेज में हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस में कैसा हो रहा था, या तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा था या नॉट ऐड हो रहा था, वर्ब आ रहा था मेन वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस चल रहा था और सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही था कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो दिस वाज समथिंग दैट वी वर स्टडिंग इन टेंसेस या फिर एक्टिव वॉइस, राइट। अभी पैसिव वॉइस जब हम पढ़ेंगे या सीखेंगे कि पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आप वर्ब को रखोगे, उसके बाद आप बाय से कनेक्ट करोगे, प्लस यहाँ पे क्या डाल दोगे, सब्जेक्ट डाल दोगे। तो पैसिव वॉइस में आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पे लेके आओगे और सब्जेक्ट को जहां लेके जाओगे पीछे ऑब्जेक्ट की जगह पे, राइट। यहाँ पे मेन फोकस किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे मेन फोकस किसके ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और वो वर्ब क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप वॉइस इज क्लियर। वॉइस का मतलब क्या है, वॉइस की बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वॉइस का मतलब क्या है, वॉइस जो है वो ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपको ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है या एक्शन डन बाय सब्जेक्ट को, ठीक है, किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस है, या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो चीज आपको ये बताती है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस, सिर्फ बोलने का तरीका है। एक्टिव वॉइस में आप क्या बोलोगे, जोसेफ को मैंगो पसंद है, और पैसिव वॉइस में क्या आप बोलोगे, इसी बात को कैसे बोलोगे, जोसेफ को मैंगो पसंद है, इस बात को पैसिव वॉइस में कैसे बोलोगे, मैंगोज पसंद है किसको, जोसेफ को, ठीक है। तो सिर्फ बोलने का तरीका या ऐसे बोल सकते हो स्टाइल जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पे क्योंकि जोसेफ के ऊपर फोकस करना था तो हम इस तरीके से बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक्शन डन बाय दी सब्जेक्ट, जो ऑलरेडी सब्जेक्ट यहाँ पे था वो क्या एक्शन कर रहा था उसके ऊपर फोकस करना है, तो हेंस यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, ये इसको हम पैसिव वॉइस की तरह क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। सो द स्टाइल ऑफ सेइंग वन थिंग हैज इज चेंजिंग हियर, मीनिंग वही रहेगा, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, बस उसको कहने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। स्टाइल भी कैसे चेंज होगा, क्योंकि आपका क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है सर। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली वो आप हेल्पिंग वर्ब वगैरह ऐड कर लोगे, पर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, बाय जरूर ऐड करना, यू विल बी लिंकिंग दिस वर्ब विद द सब्जेक्ट हियर, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करके, बाय प्रेपोजिशन यूज करके, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में हम जो वर्ब और सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं कौन सा प्रेपोजिशन यूज करके करते हैं, बाय, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे आप इसको बेसिकली क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ठीक है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ बेसिकली क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। वॉइस को बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर आपको समझाना हो तो क्या करोगे, वॉइस जो है वो ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्या है, वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, एक्शन जो हो रहा है सब्जेक्ट से उसकी एक फॉर्म है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, या फिर एक्शन डन बाय दी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ओके आई होप डेफिनेशन को लेके हमने इनफ डिस्कशन कर लिया है, आई होप डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल्दो डेफिनेशन आपको एज इट इज ये याद नहीं रखनी है, बट यस आपको पता तो होना चाहिए कि वॉइस क्या है, ऐसा ना हो एट द एंड ऑफ द चैप्टर वॉइस चैप्टर खत्म हो गया, रूल्स सब समझ आ गए, रूल्स आपको अच्छे से याद हैं, ठीक है, बट देन आपको यही नहीं पता कि वॉइस क्या है, ठीक है। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चाहे उसको याद रखो, बट उसको याद रखो।
ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वॉइस जो है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, वॉइस जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, राइट? वी ऑल नो दैट, राइट? एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, यही हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि वॉइस की डेफिनेशन क्या है, और हमने ये देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि दो तरीके हो सकते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट को बोलने के। या तो आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह बोलो, या आप ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट की तरह बोलो। ठीक है, सो देयर कुड बी टू वेज टू से वन सेम थिंग, राइट? अब यहाँ पे वो ये आपको क्लियर कर देगा कि वॉइस जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, और वो टू टाइप्स हैं क्या बेसिकली? तो फर्स्ट टाइप इज एक्टिव वॉइस एंड द अदर टाइप इज पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखो, टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। एक्टिव वॉइस में हमें ये पता चलता है कि जो आपका पर्सन है यहाँ पे, मतलब जो सब्जेक्ट है या थिंग भी हो सकती है सब्जेक्ट, वो कर क्या रही है, उसका एक्शन क्या है, राइट? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, ये मैं आपको यहाँ बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको एक्टिव वॉइस में बेसिकली क्या पता चल रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी थिंग, इट कैन बी प्लेस एज वेल, राइट? तो आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता क्या चलेगा एक्टिव वॉइस में कि आपका सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट? और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे गिवन है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखो, अना पेंटेड द हाउस। ठीक है, यहाँ पे अना इज योर सब्जेक्ट, पेंटिंग पेंटेड इज योर वर्ब एंड द हाउस इज ऑब्जेक्ट। द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। द टीचर इज योर सब्जेक्ट, ऑलवेज आंसर्स जो है आपका वर्ब आ जाएगा, और द स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज योर ऑब्जेक्ट, राइट? उसके बाद देखो, अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। अली इज योर सब्जेक्ट, पोस्टेड इज योर वर्ब, एंड द वीडियो ऑनलाइन इज योर ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो काम क्या कर रहा है, वॉट वर्क इट इज डूइंग, वॉट एक्शन इट इज परफॉर्मिंग, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है। देखो ना, सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, अना पेंटेड द हाउस, तो आपको क्या पता चल रहा है अना क्या कर रही है, अना पेंट कर रही है अपना घर। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब के बारे में यहाँ पता चल रहा है। द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, क्या पता चल रहा है कि टीचर क्या करती है, हमेशा आंसर करती है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो काम क्या कर रहा है, वॉट एक्शन इट इज परफॉर्म, राइट? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। ठीक है, इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि अली क्या कर रहा है, ही पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन, तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि अली ने ऑनलाइन क्या किया, वीडियो पोस्ट की। तो खुद से पूछना, जब भी आप एक एक्टिव स्टेटमेंट, एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट पढ़ोगे या सेंटेंस पढ़ोगे, कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, व्हाट वर्क इट इज डूइंग, व्हाट वर्क इट इज डूइंग, ठीक है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा, अना पेंटिंग कर रही है, तो यहाँ हमें किस चीज के बारे में पता चला, अना के एक्शन के बारे में। ठीक है, टीचर क्या कर रही है, आंसर कर रही है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को, क्या पता चला, टीचर के वर्ब के बारे में, टीचर के एक्शन के बारे में। तो जहां पे भी आपको सब्जेक्ट का एक्शन पता चलेगा वो एक्टिव वॉइस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकेंड टाइप क्या है, पैसिव वॉइस। टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। अब इसमें जो है हम क्या देख रहे थे एक्टिव वॉइस में, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये देख रहे थे। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम क्या देखेंगे, हाँ, पैसिव वॉइस में हम देखेंगे कि व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि काम क्या हो रहा है, एक्शन जो है, व्हाट इज डन टू समवन, क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, और किस कौन कर रहा है उस एक्शन को। ठीक है, तो एक्शन जो है वो क्या हो रहा है, व्हाट एक्शन इज बीइंग डन एंड हु इज डूइंग दैट एक्शन। ठीक है, व्हाट इज बीइंग डन टू समवन और समथिंग, एक्शन क्या हो रहा है, या फिर कौन वो एक्शन को क्या कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पे बेसिकली क्या होगी, हाईलाइट होगी। ठीक है, द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। अब यहाँ पे एक्शन किसके ऊपर होगा, सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ बेसिकली कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा था, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ जो एक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा, सब्जेक्ट के ऊपर होगा। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे अना पेंटेड द हाउस था,
इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, द हाउस वॉज पेंटेड बाय हना, हाउस को किसने पेंट किया, अना ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे क्या है, उसको सब्जेक्ट की जगह पे डाला। और यहाँ पे आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है इस स्टेटमेंट में, कि हाउस को किसने पेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एम्फोसिस जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एक्शन जो है दैट इज बीइंग डन अपॉन, सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सब्जेक्ट था दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, ठीक है। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं द हाउस, उसके ऊपर क्या काम चल रहा है वो बताने की कोशिश जो है की जा रही है। यहाँ देख रहे थे कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम हो क्या रहा है। तो बोथ हैड डिफरेंट थिंग्स। आई होप ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। एक्टिव वॉइस में, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, एक्टिव वॉइस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या काम कर रहा है, व्हाट वर्क सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट वर्क सब्जेक्ट इज डूइंग, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज द सब्जेक्ट हियर, ठीक है, सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है, हाउस पे क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, यहाँ पे अना देख रहे थे कि अना क्या काम कर रही है, यहाँ देख रहे हैं हाउस के ऊपर क्या काम चल रहा है, राइट। आई होप ये छोटा सा डिफरेंस सबको क्लियर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। इस लाइन को हमेशा याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अना पेंटेड द हाउस वॉज पेंटेड बाय अना, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय टीचर, ठीक है, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, स्टूडेंट के क्वेश्चंस को कौन आंसर कर रहा है, टीचर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इज बीइंग एक्टेड अपॉन। तो एक तरीके से जब आप पैसिव वॉइस को करोगे तो अपने आप से क्या पूछोगे कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को कौन आंसर कर रहा है, टीचर ना। तो उस तरीके से आप बेसिकली क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या काम चल रहा है, ठीक है। जब सब्जेक्ट के ऊपर क्या काम चल रहा है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में दिया होगा, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस। देखो, अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन, इसका क्या होगा, द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली। तो वीडियो को किसने पोस्ट किया, वीडियो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। और ये स्टेटमेंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वीडियो को किसने पोस्ट किया ऑनलाइन, ठीक है। तो जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे स्टेटमेंट को पढ़ के, तो आपको पता चलेगा कि अली ने पोस्ट किया। तो यहाँ पे जो वीडियो के ऊपर काम चल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कंप्लीटली डिफरेंट है, दो टाइप्स ऑफ वॉइस हैं ये, ठीक है। इनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा पहली बात, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने यही देखा, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा, दूसरा डिफरेंस आएगा यहाँ पे आप एक्टिव वॉइस में देखते हो कि सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर क्या बेसिकली क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये आप देखोगे एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आप क्या देखोगे कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, व्हाट एक्शन इज बीइंग डन ऑन सब्जेक्ट, ये आप कहाँ देखोगे, इसके ऊपर देखोगे, पैसिव वॉइस में देखोगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये कहाँ देख रहे हो आप, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। सब्जेक्ट पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये आप कहाँ देखोगे, आप देखोगे पैसिव वॉइस में। यहाँ किसके ऊपर फोकस होगा, एक्शन के ऊपर, और यहाँ किसके ऊपर फोकस होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और उनके डिफरेंसेस, ठीक है। सो दैट जब हम इनके रूल्स पढ़ें तो आपको सिर्फ इस चीज से ना पहचानना पड़े कि यार जहाँ पे बाय यूज हो रहा है या जहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, वो पैसिव वॉइस है। डेफिनेटली ये चीजें आपको हेल्प करेंगी रिकॉग्नाइज करने में कि पैसिव वॉइस कौन सा और एक्टिव वॉइस कौन सा है, बट आपको ये बेसिक जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंस वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, तो थोड़ा सा खुद भी ऐसे एनालिटिकली इसको, इन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि दो
कॉन्टेक्स्ट में आप इन दोनों में डिफरेंस की बात करोगे. ऑल्दो ये जो डिफरेंस है मैंने इस चैप्टर में किसी भी स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, बट जब आप इस पूरी स्लाइड को पढ़ोगे अच्छे से तो आपको यही समझ में आएगा कि दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये दोनों वॉइसेस क्या हैं, अलग हैं. और वो दो पॉइंट्स क्या हैं, नंबर वन इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द अदर इज कि सब्जेक्ट जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हम कहाँ देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे एक्शन पे अगर हम फोकस कर रहे हैं पैसिव में, तो यहाँ पे हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे. राइट, ओके, आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा. अभी तो कुछ कंफ्यूजन हैं तो पूछो, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक्टिव वॉइस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, फिर सिमिलर लाइंस में पैसिव वॉइस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे कि क्या रूल्स हैं. ठीक है, कुछ और कंफ्यूजन्स या कुछ और डाउट्स जल्दी से बता दो, वरना थम्स अप बना के भेज दो सो दैट आई नो कि मुझे आगे प्रोसीड करना है. ओके, देखो अभी देखो एक्टिव वॉइस क्या है. ठीक है, एक्टिव वॉइस व्हेन द सेंटेंस और द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस द डूअर और द एक्टर ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन मोर एम्फेसिस. यही हमने पहले पढ़ा कि जो भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या है, वर्ब जो होगा वो, या फिर जो डूअर है यानी कि सब्जेक्ट जो होगा डूअर, डूअर या एक्टर, ठीक है, ऑफ द सेंटेंस जो है उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है. ठीक है, तो जब सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी डूअर या एक्टर या वर्ब के ऊपर वो कह रहा है कि द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस, व्हेन द सेंटेंस और द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस द डूअर और द एक्टर ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन मोर एम्फेसिस, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, एक्टिव वॉइस हो जाएगी. इट मीन सब्जेक्ट इज एक्टिव व्हाइल इज एक्शन इज पैसिव. मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो जो है वो काम क्या कर रहा है, उसका क्या काम है. तो यहाँ पे मेन फोकस होगा वो सारा सब्जेक्ट पे होगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, यहाँ पे आई एम हैप्पी में आई जो है मैं खुश हूं, तो मेन फोकस किस किस चीज पे सेंटेंस में, सब्जेक्ट पे, कि चलो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट जो है उसकी बात हो रही है, आई एम हैप्पी, तो सारा फोकस इज ऑन सब्जेक्ट. राइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सब्जेक्ट इज एक्टिव और बाकी उसका जो एक्शन होगा वो जो वर्ब यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, पैसिव हो जाएगा. ठीक है, जनरली व्हेन द सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस इट स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट, जनरली बोला उसने. ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर इज दिस. ठीक है, देखो द लॉयन रोड, ठीक है, अब द लॉयन इज योर सब्जेक्ट, रोड इज वर्ब. ठीक है, ठीक है, या इसको ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लेते हैं सेंटेंस में, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद इनकम्प्लीट सेंटेंस है, या सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब वाला है, इन द जंगल. ठीक है, अब ये है आपका एक पर्टिकुलर सेंटेंस, द लॉयन इज योर सब्जेक्ट, रोड इज योर वर्ब, इन द जंगल इज योर ऑब्जेक्ट. राइट, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है, द लॉयन रोड इन द जंगल, तो सारा एम्फोसिस किसके ऊपर है, लॉयन, कि लॉयन क्या कर रहा है. ठीक है, लॉयन क्या कर रहा है वो देख रहे हैं हम, हेंस यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, द कुक प्रिपेयर्ड द मील, हु प्रिपेयर्ड द मील, कुक, कुक कुक क्या कर रहा है. ठीक है, कुक क्या कर रहा है, यहाँ पे सारा फोकस किस चीज के ऊपर है, कुक के ऊपर है. राइट, ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, हियर द एंटायर फोकस इज ऑन ग्रीन हाउस गैसेस. राइट, आई होप इट इज क्लियर. तो हम इन एग्जाम्पल्स में देखो क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जहां पे ये पता चले सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा. यहाँ पे भी इस डेफिनेशन में ये यही बता रहा है कि जब डूअर या एक्टर ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया जाए, सब्जेक्ट जब एक्टिव पार्ट हो, जब हम ये देख रहे हो कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और उसका एक्शन जो है, काम जो वो कर रहा है वो बेसिकली क्या हो जाए, पैसिव हो जाए, तो वो कौन सी वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस होगी. तो सोचो पैसिव वॉइस क्या होगी, नेक्स्ट स्लाइड में वैसे हम पढ़ेंगे, बट खुद से एक बार उसमें एनालाइज बेसिकली क्या करो, करने की कोशिश करो, एनालाइज करने की कोशिश करो कि
इसकी जो होगा इसमें इन्हीं का ये जो हम ये एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन पढ़ी है इसके बेसिस पे पैसिव वॉइस क्या होगी, ठीक है? इसके बेसिस पे पैसिव वॉइस बेसिकली क्या होगी, पैसिव वॉइस होगी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके ऊपर फोकस है और काम जो है वो पैसिव है. तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, काम जो होगा दैट विल बिकम द एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पैसिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी, पैसिव वॉइस हो जाएगी. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर. अभी ये देखो आई गेस किसी का मैसेज है, लेट मी जस्ट चेक. मैम व्हाट विल बी द पैसिव काउंटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल, सी वी आर डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. पैसिव वॉइस में मैंने जो एग्जांपल्स यहाँ पे, ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, सी ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं एक्टिव वॉइस में, इन्हीं के जो कन्वर्जन्स हैं पैसिव में वो मैंने पैसिव वॉइस की स्लाइड्स में लिए हैं, राइट? ठीक है, तो हम वो उस स्लाइड में देख ही लेंगे, बस अभी मुझे 2 मिनट दो. ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. देखो अभी ये पैसिव वॉइस आ गया, ठीक है? अभी पैसिव वॉइस में बेसिकली वो क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला था कि जो आपका बेसिकली क्या होगा, काम होगा, वर्ब होगा, वर्ब के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस होगा और सब्जेक्ट जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा. देखना, व्हेन द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या एक्शन, तो ऑब्जेक्ट या फिर उसका एक्शन जो है, यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब जो होगा वो जो होगा, और द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन इज गिवन द मेन एम्फेसिस. इट मींस डूअर ऑफ द एक्शन इज पैसिव, व्हिच मींस ये जो डूअर है एक्शन का यानी सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा. एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन इज एक्टिव, और ये वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा. और पैसिव एक्टिव में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपका एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज दिस एंड दिस इज व्हाट द पैसिव पार्ट, दिस एंटायर इज द पैसिव पार्ट. बट पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, दिस इज बिकमिंग योर एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस और ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका पैसिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर्म कर रहा है. यही चीजें वो, ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ये छोटा सा, यही चीजें वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है विद दिस डेफिनेशन, राइट? जनरली द सेंटेंसेस सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, तो वो किससे शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा या एक्शन से शुरू होगा. ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा. ठीक है, वहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था एक्टिव में, सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आप इसमें यूज करोगे पैसिव वॉइस में, बाय के साथ कनेक्ट करोगे वर्ब को और सब्जेक्ट को, तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव वॉइस में वो ये रहेगा, इसको याद रखो. ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत बार पढ़ने वाले हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद से ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा. सी आई हैव डेलिबरेटली केप्ट दीज एग्जाम्पल सेम, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक्टिव वॉइस में जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ डेफिनेटली आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उनको पैसिव वॉइस में क्या करूं, कन्वर्ट करके बताऊं, राइट? सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चीजें कन्वर्ट हो रही हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर के या जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे वो इन एग्जाम्पल्स के साथ ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. ठीक है, उसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर में से 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे पेपर में, डेफिनेटली आएंगे. ठीक है, यूडीसी के एग्जाम में या जितने भी एक दो पेपर मैंने देखे हैं 5 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं इस चैप्टर में से, और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नो, वेरी इजी क्वेश्चंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, सिर्फ उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, डिफिकल्ट लेवल पे तो अभी वो जा ही नहीं रहे हैं आप आपके एग्जाम्स में, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जाम में. राइट, आई एम सॉरी. तो आई होप ये पैसिव वॉइस क्लियर होगा. अब देखो इसके एग्जाम्पल्स पैसिव वॉइस के, यहाँ पे देखो वहां क्या पढ़ा था, अ लॉयन रोड, यही एग्जाम्पल पढ़ा था, राइट? ठीक है, यही एग्जाम्पल पढ़ा था, अ लॉयन रोड. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ रोर वॉज एमिटेड बाय द लॉयन.
जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, अ रोर वॉज एमिटेड बाय द लॉयन, राइट. लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड. ये देखो ठीक है, वहां पे क्या लिया था, द लॉयन रोड, यही था उसका एक्टिव वॉइस. और इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है फॉलो किया, ठीक है. इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करोगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाओगे. यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेसिकली रोर, इन्होंने सब्जेक्ट और इसने वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेम कंसिडर किया है, हेंस इसी को ये स्टेटमेंट में आगे लेके आया, अ रोर वॉज एमिटेड बाय द लॉयर, ठीक है. द कुक प्रिपेयर्ड द मील, सेकेंड एग्जाम्पल था, द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक, राइट. ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये था थर्ड एग्जाम्पल. अभी ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन्होंने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग को आगे लेके आया. ये देखो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट इज हियर एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. इज कॉज्ड बाय, इज योर हेल्पिंग वर्ब. कॉज्ड बाय, कॉज जो है वो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. बाय से कनेक्ट करके और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पे है उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट. तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया, ये वाला, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, दिस इज द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इंटू दी पैसिव वॉइस, राइट. तो ये जो है एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा जिसको आप बेसिकली क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है. देखो इनका क्वेश्चन है, आई गॉट दिस वन मोर एग्जाम्पल क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स. वो बोल रहे हैं कि इन द जंगल अगर आप ऐड करते तो फिर उसमें क्या आप कन्वर्ट करते, कैसे कन्वर्ट करते. तो जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई विल जस्ट डू इट फॉर यू. देखो क्या था वो स्टेटमेंट, क्या बनाया था, द लॉयन रोड इन द जंगल, ठीक है. अ रोर वॉज एमिटेड बाय द लॉयन इन द जंगल, ठीक है. तो इसको मैं करती इस तरीके से, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, राइट. आई होप इट इज क्लियर. अब इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज क्यों रखा, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स में जो है चेक करेंगे, सो दैट यू कैन हैव बेटर क्लैरिटी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आप जो आपका जो ये वाला पार्ट होगा सेंटेंस का उसको आप एज इट इज जो है पीछे ही रखोगे, ठीक है. ऐसे भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, राइट. एनी अदर कंफ्यूजन? आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई. ओके डोंट वरी, हम लोग बहुत सारे रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं और उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो है वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. और हम सिर्फ ये रूल्स डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर जो है कहाँ आपको ट्रैप करेगा, ठीक है, क्या गलतियां करके, हम वो चीज भी डिस्कस करेंगे. मोर ओवर एक स्लाइड मैंने अलग से रखी है आप लोगों के लिए, वो मैंने इसीलिए बनाई ताकि आप लोग उन एरर्स को सेंटेंस में बेसिकली क्या करो, स्पॉट कर सको. जो भी एरर्स हो सकती हैं वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इंटू दी पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस इंटू दी एक्टिव वॉइस, जो भी एरर्स कोई भी एग्जामिनर कर सकता है वो एरर्स जो है आपको उसकी एक अलग स्लाइड मिल जाएगी, ताकि आप स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स पे फोकस करो कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जा रहा है और उसमें आपको एरर स्पॉट करना है तो वो जो एरर है वो बेसिकली है क्या हो सकता है, ठीक है.
राइट, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, तो हर तरीके से मैंने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है इन स्लाइड्स में। देखो, रूल्स टू आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे, हम ब्रॉडली एक बार ना ओवरव्यू ले लेते हैं बिफोर यू नो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखो, जैसे यहाँ पे रूल्स हैं टू आइडेंटिफाई द वॉइस, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ये देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी ताकि आप बेसिकली क्या करो, कुछ चीजों को ध्यान रखो कन्वर्ट करते हो वॉइस को। देखो, अब ये गलतियां एग्जामिनर करेगा अगर वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा है, सेंटेंस करेक्शन में या एरोनस सेंटेंस देके, तो आपको यही चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। तो ये जो है, इसकी एक अलग स्लाइड बना दी है यहाँ पे, बिफोर जंपिंग ऑन टू द रूल्स। अभी रूल्स यहाँ पे कहीं नहीं शुरू हुए चैप्टर के, ठीक है। उससे पहले ही मैं आपको ये चीज समझा दूंगी कि क्या गलतियां आपको देखनी है सेंटेंस में, क्या चीजें आपको नहीं करनी, राइट। और उसके बाद फिर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रूल्स पे स्विच करेंगे। और रूल्स पे हम कैसे स्विच करेंगे, हम लोगों ने देखो टेंसेस पढ़े थे टेंसेस। अब आपको जो एक्टिव वॉइस में स्टेटमेंट देगा वो तो किसी भी टेंस में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और किसी भी टेंस में किसी भी काइंड ऑफ स्टेटमेंट में पूछ सकता है, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, ठीक है, ठीक है। यूजुअली इन तीनों में ही पूछेगा। तो हम लोग हर टेंस की, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में, एफर्मेटिव में, एक्टिव वॉइस जो है उसमें क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था वो पुराने चैप्टर वाला रिवाइज करेंगे। सी आई हैव इंक्लूडेड दैट ऑल्सो हियर, मैंने यहाँ इंक्लूड किया है ये, हम ऑलरेडी टेंसेस चैप्टर में इतना पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के आए हैं, ये हम सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। और फिर एफर्मेटिव में, एक्टिव वॉइस में अगर हम ये रूल फॉलो कर रहे थे, ठीक है, टेंसेस चैप्टर में, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो पैसिव वॉइस का यहाँ मैंने अलग से मेंशन किया है, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव बेटर क्लैरिटी। आपको वापस से वो टेंसेस चैप्टर की स्लाइड पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, देखने के लिए कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक्टिव वॉइस में क्या क्या था, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था। आपको यहीं पे वो मिल जाएगा कंसोलिडेटेड, आप यहाँ से चेक करोगे, और अल्टीमेटली आपको ये भी पता होगा कि इसको जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो क्या रूल फॉलो होगा, राइट। सिमिलरली देखो, नेगेटिव वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पे एज इट इज टेंसेस चैप्टर का इंक्लूड किया है, ठीक है। फोन थोड़ा छोटा रखा है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, तो मेरा मेन फोकस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये मैं ऑल्दो आपको रिवाइज करा दूंगी, बट मेरा मेन फोकस विल नॉट बी हियर, वी विल जस्ट रिवाइज इट टू हैव अ क्विक व्यू कि हमने पढ़ा क्या था पिछले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना वो हम मेनली देखेंगे, मेरा जो मेन फोकस होगा वो सब यहाँ पे होगा कि उसको पैसिव में बेसिकली कैसे करो। ये सिर्फ आपके रिविजन पर्पज से मैंने इंक्लूड किया है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने टेंसेस चैप्टर को 2 बार या 3 बार रिवाइज नहीं किया है, या फॉर एग्जाम्पल रूल्स अभी नहीं याद हुए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में, तो उस केस में आपको यहाँ पे मैं ही वो दोबारा रिवाइज करा दूं, सो दैट यू आर वेरी मच एक्वेंटेड विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपकी टिप्स में होना चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन टू द पैसिव वॉइस, राइट, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हम कौन से वाले टेंस को कौन से वाले उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये बेसिकली, इसको भी हम इसी चैप्टर जैसे टेंसेस पढ़ा था उस चैप्टर के पैटर्न पे ही पढ़ेंगे, ये देखो, ठीक है। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, टेंसेस में क्या था, फिर पैसिव वॉइस क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव देखो, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस में कैसा रहेगा, ठीक है। तो इसको भी सेम स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। वी विल स्टडी दिस ऑल्सो ऑन द सेम लाइन्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अभी कुछ और डाउट्स हैं तो बताओ, एल्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट स्टार्ट द क्लास, गिव अ थम्स अप इफ यू डोंट हैव एनी अदर डाउट्स। और कुछ भी अगर माइन्यूट से डाउट्स है ना, लाइक रूल्स को लेके अभी कुछ आ रहा होगा ध्यान में कि ऐसा कैसे होगा, ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने वॉइस ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है, और मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, बट मुझे इतना पता है कि अब जब हम वॉइस चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई डोंट थिंक सो आप लोगों के कोई भी डाउट्स होंगे, ठीक है? मैं आपको इतने अच्छे से चीजों को समझा दूंगी और आप लोगों को समझ भी आ रहा है, ठीक है? ओके, शैल वी मूव अहेड? ठीक है, अब देखो रूल्स क्या हो सकते हैं आइडेंटिफाई करने के, किसी भी वॉइस को, किसी भी सेंटेंस में वॉइस को. सबसे पहले आप देखोगे स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो कौन सा होगा? ऑब्वियसली एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है? अगर सब्जेक्ट ये, अगर आपका बेसिकली स्ट्रक्चर ये है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब कनेक्टेड बाय द सब्जेक्ट यूजिंग द वर्ड बाय, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है? राम ब्रॉट अ बाइक, अ बाइक वॉज ब्रॉट बाय राम, ठीक है? ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब. देखो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, वही यहाँ पे ये बोल रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या करो, यूज करो, ठीक है? वही ये यूज करने के लिए बोल रहा है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होगी? V3. तो एक्टिव वॉइस से जब भी पैसिव वॉइस में जा रहे हो तो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको क्या करोगे? यूज करोगे. अगर अभी भी वर्ब की फॉर्म्स क्लियर नहीं है तो प्लीज डू रिवाइज दिस चैप्टर वंस अगेन, ठीक है? आप लोगों को खुद को ऑनेस्टली पता होगा कि आपको ये वर्ब की फॉर्म्स क्लियर है या नहीं. अगर नहीं है तो इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? स्पेशली V3 फॉर्म को, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ये फॉर्म बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला होगा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वॉइस ऑफ द सेंटेंस क्या है. दूसरा होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है. अगर V3 फॉर्म यूज हुई है तो डेफिनेटली कौन सा सेंटेंस होगा? पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बेसिकली आपका हमेशा ही यूज होगा पैसिव वॉइस में. उसने लिखा ऑलवेज, ठीक है? एक्टिव वॉइस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पैसिव वॉइस में तो ऑलवेज इट विल बी यूज्ड, ऑलवेज, राइट? द मैजिशियन परफॉर्म्ड अ ट्रिक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ना, पहले ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. वी हैव नॉट डिस्कस दिस ना. देखो आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है? अभी ये कौन से टेंस, इसका टेंस रिकॉग्नाइज करके बता सकते हो आप लोग मुझे? कैन एनी वन आंसर विच टेंस इज यूज हियर सो दैट आई नो कि आपको टेंसेस चैप्टर समझ आया या नहीं? जल्दी से बताओ कौन सा टेंस है ये. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट? आपने एक भी अगर वर्ब की क्लास नहीं लगाई है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाट यू कैन डू इज रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स होंगे. ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है वर्ब, ठीक है? छोटा सा, दो ही क्लासेस हुई हैं, तो दो क्लासेस आई गेस 50 या 60 मिनट के लेक्चर्स होंगे, ठीक है? देखो जो वर्ब चैप्टर है ना उसकी 1 आवर की 2 क्लासेस है, यानी पूरा चैप्टर वो आपका 2 आवर में कवर हो जाएगा, ठीक है? PDF नोट्स में आज शेयर कर दूंगी अगर ग्रुप में शेयर नहीं किए हुए, ठीक है? 2 लेक्चर्स हैं, दोनों लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड सेशंस को देख लो, बेटर क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है? और उस PDF को साथ रख के टेक अ प्रिंट आउट और यूज अ सॉफ्ट कॉपी इफ यू हैव अ टैबलेट और समथिंग लाइक दैट, राइट? या लैपटॉप अगर है तो उस तरीके से उसको PDF को ओपन करके क्या करो, 2 आवर का लेक्चर जो है रिकॉर्डेड वो देख लो और उसके बाद उसको PDF से रिवाइज कर लेना, ठीक है? हो जाएगा वो चैप्टर. इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी वेरी स्मॉल एंड इजी चैप्टर, राइट? ओके, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर वी स्टडिंग? हाँ यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये. दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई एम डूइंग माय वर्क. अब ये जो था एक्टिव वॉइस में था, ठीक है? अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया ना, ठीक है, एक्टिव वॉइस में. तो एक्टिव वॉइस में जो है एक वो आएगा कि आपके पास ऑप्शन है, यू कैन यूज ऑल्सो, यू कैन स्किप ऑल्सो, राइट? बट पैसिव वॉइस में आप बेसिकली क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली यूज करोगे. ऑलवेज वर्ड मेंशनड है, ठीक है? ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब विच इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द पैसिव वर्ब. आई एम डूइंग माई वर्क, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, माई वर्क इज बींग डन बाई मी, ठीक है? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल या स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉइस के पर्सपेक्टिव से अब पढ़ेंगे, राइट? बट अभी के लिए आप ये समझो कि यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म थी डूइंग, डूइंग जो थी वो V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब थी,
उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, V3 में, बींग डन, डन आ गया ना यहाँ पे, तो डन इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट था, सेंटेंस था, जहाँ पे V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ था एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने उस वर्ब को V3 में चेंज किया। तो आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पता होनी चाहिए इसके लिए, राइट। इसीलिए हमने वर्ब चैप्टर जो था वो टेंसेस चैप्टर से और अभी वॉइस चैप्टर से पहले स्टडी किया, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की एक क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है, चैप्टर्स की क्रोनोलॉजी होती है कि कौन सा चैप्टर आपको फर्स्ट करना है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, और हमने ऐसे अकॉर्डिंगली जो है हमने अपना सिलेबस जो है फिनिश करना है, ठीक है। अब देखो, ऑलवेज यूज अ हेल्पिंग वर्ब, द मजिशियन परफॉर्म्ड अ ट्रिक, अभी द मजिशियन परफॉर्म्ड अ ट्रिक इज योर एक्टिव वॉइस, जहां पे द मजिशियन इज योर सब्जेक्ट, परफॉर्म्ड इज वर्ब, अ ट्रिक इज ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, अ ट्रिक विच वॉज द ऑब्जेक्ट हियर, अब इसको क्या कर दिया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, वॉज परफॉर्म्ड, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, वॉज क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, परफॉर्म्ड इज योर मेन वर्ब, बाय से कनेक्ट करके द मजिशियन, जो आपका यहाँ सब्जेक्ट था उसको यहाँ क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस मेन वर्ब, यही होगा आपका, और उसके बाद बेसिकली बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर से देखोगे, ठीक है। दूसरी चीज, वर्ब की फॉर्म से देखोगे, यहाँ पे जो भी फॉर्म यूज हुई है वर्ब की वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब तो आप यहाँ पे बेसिकली पैसिव वॉइस में क्या करोगे, यूज करोगे ही करोगे अलॉन्ग विद द मेन वर्ब, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स देखेंगे जो आपको नहीं करनी है, जो आपको बेसिकली क्या किया जाएगा, अगर आपको एरोनस सेंटेंसेस बेसिकली गिवन है तो उनमें ये मिस्टेक्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी, एंड यू हैव टू लुक फॉर दीज मिस्टेक्स, ठीक है, एंड यू हैव टू लुक फॉर दीज मिस्टेक्स इन सच सेंटेंसेस, राइट। ये मिस्टेक तो नहीं है कहीं, ठीक है। और वाइल कन्वर्टिंग, ठीक है, जब आप खुद भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होगे, आपको भी ये खुद भी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। देखो क्या गलतियां हैं, नंबर वन, व्हेन वी कन्वर्ट द वॉइस द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, सो यू विल बी कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। नंबर वन, डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बोला था कि मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड, राइट। सबसे पहला एग्जाम्पल जो देखा था हमने, देखा था जोसेफ लव्स मैंगोस, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जोसेफ को मैंगो पसंद है, ठीक है। इसको जब पैसिव में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, मैंगोज आर लव्ड बाय जोसेफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली मीनिंग तो सेम रखा था ना, मीनिंग तो सेम रखा था, हमने मीनिंग तो चेंज नहीं किया, ठीक है, कि जोसेफ को मैंगो पसंद है, मैंगो किसको पसंद है, जोसेफ को, तो मीनिंग सेम है, तो मीनिंग आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो, राइट। फॉर्म ऑफ सेंटेंस भी चेंज नहीं करोगे। जब हम सेंटेंसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो वी विल सी, अपार्ट फ्रॉम एफर्मेटिव, अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, या अभी इस चैप्टर में हम एक और काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। इन सेंटेंसेस के अलावा भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं, एसर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, वो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, इस चैप्टर के लिए आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझोगे कि जिस फॉर्म में दिया गया है सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेरोगेटिव में दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में अगर आपसे सेंटेंस पूछा गया है, तो उसका जो पैसिव वॉइस आप कन्वर्ट करोगे ना, वो भी इंटेरोगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड ऑल्सो बी इंटेरोगेटिव, राइट। ओके,
आई होप इट इज क्लियर. द फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है वो आप चेंज नहीं करोगे, मीनिंग चेंज नहीं करना, फॉर्म चेंज नहीं करना. एंड थर्ड चीज, टेंस ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड, राइट? टेंस जो है उसको चेंज नहीं करोगे, राइट? टेंस भी आप क्या रखोगे, चेंज रख सेम रखोगे. डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, तो टेंस को भी आप चेंज नहीं करोगे, राइट? समटाइम्स द मोस्ट ऑब्वियस डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस, ठीक है? इन सच केसेस वी हैव टू अज्यूम द डूअर ऑफ द एक्शन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, कई बार क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी बहुत छोटी सी, ठीक है, जिसमें ना सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो मेंशन नहीं होगा, तो आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते कि डूअर कौन है, ठीक है? और आप उसको पैसिव वॉइस में मेंशन भी करोगे, बाय करके आगे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं ना, वहां पे आप उसको मेंशन भी करोगे, ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे कि कई बार क्या होता है, जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन जो है, सब्जेक्ट यानी, वो मेंशन नहीं होगा स्टेटमेंट में. और आपको उन केसेस में, ऐसे केसेस में जब मेंशन नहीं है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा डूअर ऑफ द एक्शन को खुद से ही. कैसे एज्यूम करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. देखो, अ जजमेंट हैज बीन पास्ड इन द कोर्ट, ठीक है? अ जजमेंट हैज बीन पास्ड इन द कोर्ट, ठीक है? ये जो है आपका किसमें है, पैसिव वॉइस में, ठीक है? अब स्टेटमेंट क्या है, अ जजमेंट, लेट मी जस्ट राइट इट हियर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स. अ जजमेंट हैज बीन पास्ड इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, जजमेंट कौन पास करेगा? कोई जज ही पास करेगा ना, ठीक है? और कोर्ट में अगर है तो ये आई गेस खुद से ही अंडरस्टूड है कि अगर कोर्ट में कोई जजमेंट पास हो रही है तो कौन पास करेगा, या तो कोई जज पास करेगा या कोई ज्यूरी पास करेगी. अब ज्यूरी क्या होती है, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें बेसिकली क्या होंगे, कुछ कुछ लॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है? कुछ हो सकता है रिटायर्ड जजेस हो, कुछ किसी सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? कुछ साइकोलॉजी के कुछ बंदे हो सकते हैं. तो ऐसे ही ज्यूरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है? तो अगर कोर्ट में जजमेंट पास हो रही है, ठीक है, आपका जो भी खुद का लोकल कोर्ट होगा वहां पे, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या जो भी, वहां पे अगर किसी भी कंटेक्स्ट में कोई जजमेंट पास हुआ तो कौन करेगा, इधर द जज और द ज्यूरी, राइट? तो यहाँ पे आपको जज या ज्यूरी जो है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इसको आपने क्या करना है, सेल्फ अज्यूम करना है, सेल्फ अजम्पशन करना है खुद ने कि डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, ठीक है? तो जो भी डूअर ऑफ द एक्शन है उसको आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जाते हुए, या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए क्या करोगे, खुद से मेंशन करोगे. जैसे यहाँ पे देखो, अ जजमेंट हैज बीन पास्ड इन द कोर्ट, जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, पैसिव वॉइस, ठीक है? उसके बाद द जज और द ज्यूरी पास द जजमेंट इन द कोर्ट. यहाँ पे जज या ज्यूरी जो है वो बेसिकली क्या किया गया, खुद से ही अज्यूम करके यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया गया, और उसके बाद बेसिकली क्या है, उस पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट किया गया, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. तो इस तरीके से भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में, जहां पे आपको बेसिकली डूअर मेंशन नहीं होगा और आपको कैसे उसको सेल्फ अज्यूम करके खुद से उसको अज्यूम करना है, ठीक है? ओके, आई जस्ट होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या है. फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको एक्टिव वॉइस में कोई भी अगर सेंटेंस गिवन है, ठीक है, और उसमें कुछ प्रोनाउंस मेंशनड है, तो पैसिव वॉइस में वो जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, ये चीज जो है इस टेबल में एक्सप्लेन्ड है. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस में अगर आपको आई गिवन है, ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. वी अगर गिवन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस में. यू जो है वो हमेशा सेम रहता है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, ठीक है? इसको अलग से याद रखना. ही जो है वो किस में हो जाता है, हिम में कन्वर्ट हो जाता है. शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा. दे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो एक्टिव वॉइस में अगर ये वर्ड्स आपके इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, तो पैसिव वॉइस में उनको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हुए आप इन पर्टिकुलर प्रोनाउंस में क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है? ऐसा होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेंशनड है, अगर वो आई वी यू कुछ भी मेंशनड है, वो
यहाँ पे जब आएगा तो वो इनमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये चीज आप याद रखो, ठीक है। और देख लेना, अभी जब मैं आपको क्लास में एग्जाम्पल्स दूंगी ना सॉल्व करने के लिए, लाइक आई विल मेंशन द स्टेटमेंट्स, आपको रूल्स पढ़ाने के बाद कुछ कुछ आपको स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस दूंगी और आपसे उनके पैसिव जो वॉइस है कन्वर्ट कराऊंगी, तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग कर रहे होंगे मीनिंग में, फॉर्म में, टेंस में, क्योंकि लास्ट बैच जो मैंने लिया था, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस ऑफ द चैप्टर में, मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छे से चैप्टर पढ़ने के बाद, आई एम सेइंग एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द चैप्टर, ये छोटी छोटी गलतियां जो थे वो कर रहे थे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये गलतियां ना करो, हेंस मैं यहाँ पे इस स्लाइड पे थोड़ा ज्यादा टाइम देके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हो ये चीजें तो मत करना, गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं याद रखने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, नंबर वन मीनिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा फॉर्म चेंज नहीं करना है, तीसरा टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है कि अगर डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो मेंशन नहीं है तो आप खुद से मेंशन करोगे, और कुछ ऐसे प्रोनाउंस गिवन है जिनको आप एक्टिव वॉइस में जैसे यूज कर रहे हो वैसा पैसिव वॉइस में यूज नहीं करोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। जैसे आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, बी अस में, एंड सो ऑन, राइट। यू एक ऐसा रहेगा जो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। ये नोट्स जो है इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज शेयर्ड विद देम, तो आप अपनी कॉपी ऑफ नोट्स जो है वो क्या करोगे, कलेक्ट करोगे इंस्टीट्यूट से, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। इट इज अप टू यू, यू वांट सॉफ्ट कॉपी और यू वांट यू नो हार्ड कॉपी, ठीक है। जैसे भी आपको कलेक्ट करना है इसको कलेक्ट करो, ठीक है। और इस चैप्टर को साथ साथ टेंसेस को भी रिवाइज करो, ठीक है। और इस चैप्टर को भी बेसिकली क्या करो, रिवाइज करो। टेंसेस तो पक्का कर लेना, ठीक है। ऑल्दो मैं करा रही हूँ ये मत सोचना, देखो नेक्स्ट स्लाइड में टेंसेस भी आपको रिवाइज करा रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, राइट। साथ साथ ये देखो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पार्ट ऑफ द सेट टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिमिलर लाइंस पे ही मैंने इस चैप्टर को रखा है, डोंट वरी, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जब आप ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे एनालिटिकली तो वैसे ही कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। जब आपको ये याद होगा कि पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था और इसमें क्या पढ़ रहे हैं, तो डाउट्स का कोई स्कोप ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम बहुत छोटी छोटी चीजें सब कुछ यहाँ देख लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अभी कुछ बात करनी है, कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो, और टेंसेस चैप्टर प्लीज रिवाइज कर लेना खुद से भी, ठीक है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ऑल्दो मैं खुद भी रिवाइज कराऊंगी ये पूरा सब कुछ, बट प्लीज खुद से भी टेंसेस रिवाइज करके आना, ओके। एनी डाउट या एनीथिंग एल्स जस्ट लेट मी नो, एल्स आई विल वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे। ये जो प्रेजेंट टेंस है पैसिव वॉइस का कन्वर्जन है, ये हम टॉपिक कल करेंगे, ठीक है। वी विल बी डूइंग दिस टॉपिक टुमारो, इट्स ऑलरेडी 8:37। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। नहीं है तो भी मुझे बता दो, हाँ जी प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना या मुझे इंडिविजुअली भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। सो व्हाट एवर क्वेश्चंस यू हैव, डोंट वरी, आई विल टेक ऑल ऑफ देम, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है शेयर इन दैट वे, ओके। सी आई डोंट सी एनी फर्दर क्वेश्चन कमिंग अप इन द ग्रुप, फिर भी मैं 30 सेकेंड्स वेट करती हूँ आप लोगों के मैसेजेस का। अगर कुछ और क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो प्लीज लेट मी नो, एंड आई हैव नोटेड दिस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आई गेस हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग सम टॉपिक्स, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे तो भी अच्छा है, इंडिविजुअली अगर आप पूछना चाह रहे हो
तो भी आई एम ओके विद दैट, राइट? सो लेट मी नो, जैसे भी ठीक रहे. ओके, कोई और क्वेश्चंस? ओके, आई जस्ट चेक व्हाट एवर यू हैव सेंड, डोंट वरी. ओके, अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो बताओ, पूछ लो, एल्स आई एम जस्ट माइंडिंग अप द क्लास, बिकॉज फिर वो रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगा एकदम से. एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, देन वी विल मीट इन टुमारोज क्लास, राइट, विद द सेम चैप्टर. वी विल बी कवरिंग द रूल्स इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई एम टेकिंग अ लीव फॉर नाउ. आई सी यू इन टुमारोज क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग.